मघी आवास के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी बिहार के गया जिले में विशेष मिष्ठान के रूप में तिलकुट की एक अलग पहचान होती है। विदेशी पर्यटक भी तिलकुट का स्वाद चखने के लिए बेताब रहते हैं। वैसे तो यहां सालों भर तिलकुट की बिक्री होती है, लेकिन सर्द मौसम आते ही इसकी मांग बढ़ जाती है। जनवरी माह में तिलकुट की मांग बढ़ते ही सन्नाटे को चिरती धमधम की आवाज और सूंधी महक से शहर गुलजार हो जाता है। ये किसी फैक्ट्री या किसी अन्य मशीनों की आवाज नहीं होती है, बल्कि हाथ से तिलकुट कुटने की आवाज होती है। तिलकुट को गया का प्रमुख सांस्कृतिक मिष्ठान के रूप में माना जाता है। आज मकर संक्रांति है और हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व। सूर्य की उपासना के साथ साथ इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर इसे उत्तरायणवी पर्व भी कहा जाता है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और मकर राशि में सूर्य का गोचर 14 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 2:43 पर होगा। ऐसे में मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार जब 6 महीने के शुभ काल में सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तो पृथ्वी ऊर्जामय हो जाती है। इस दिन शरीर त्यागने वाले लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर शनिदेव के दीपक जलाकर पूजा जाता है और इस दिन मांगी गई मनोकामना भी पूरी होती है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये त्योहार विविध रूपों से मनाया जाता है। किसान इस दिन को कृतज्ञता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कुछ जगहों पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। ये बताइए, ये अभी तिलकुट का बाजार चरम पर है, मकर संक्रांति आने वाली है, तो गया के तिलकुट का क्या महत्व? गया का तिलकुट यहाँ का फेमस है। यहाँ का तिलकुट हम लोग इसलिए फेमस है कि हम लोग बहुत बढ़िया तिलकुट यहाँ गया के शुरुआत किए हैं। इसकी विधि क्या, कैसे बनाते हैं? इसकी विधि यही है कि इसका चीनी में गलाया जाता है पानी के साथ, उसके बाद धुआनी किया जाता है, उसके बाद पत्थर पर उजलने के बाद उसको पट्टी मारा जाता है, उसके बाद उसको कढ़ाई में गलाया जाता है, गलाने के बाद उसको मैसा जाता है, मैस के काटने के बाद लोहिया काट के सब लोग भाई लोग जितना है सब कूटते हैं, उसके बाद फेंका जाता है, उसके बाद सूखेगा, पैकिंग होगा, उसके बाद तैयार हो जाता है। ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? बहुत दूर दूर जाता है, देश विदेश तक। विदेश में कहाँ कहाँ? विदेश बहुत जगह, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, बहुत जगह। और बिहार के बाहर कहाँ कहाँ? बिहार में सभी जगह जाते हैं, बहुत दूर दूर से कहाँ करते हैं, बहुत दूर बहुत दूर। क्या सामग्री आप लोग इसमें लाए? इसमें सामग्री हम लोग बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे दुकान में बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं। हम लोग एक क्वालिटी रखते हैं, 10 किस्म का सामान नहीं रखते हैं, एक क्वालिटी एक रेट और सामान पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या रेट चल रहा है अभी? अभी तिलकुट और गुड़ और चीनी 280 रुपये किलो चल रहा है, खोवा वाला 340 रुपये चल रहा और नारियल वाला 320 रुपये चल रहा, केसर वाला 340 चल रहा। अच्छा, अभी जब 2 सालों से कोरोना है, अभी तीसरी लहर भी चल रही, तो कुछ असर उसका? हाँ, उसका असर थोड़ा हुआ है बाजार में, बिक्री कम हुई है, बिक्री थोड़ा कम हुआ कोरोना को लेकर। अच्छा, आप लोग कई सालों से इस व्यवसाय से जुड़े हैं, सरकार द्वारा कोई सब्सिडी या मदद की? नहीं, सरकार द्वारा कोई मदद नहीं है। थोड़ा बिजनेस बढ़ता है तो थोड़ा कम हो जाता है, सरकार से मदद, सरकार से मदद चाहते हैं, तो जो भी कोरोना वो है जो भी है उसको ख़त्म करें और जितना भी पब्लिक है इंसान में जीने दीजिए, सबको सबको दाल रोटी चले, जो भी हो गरीब अमीर सब। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार गुप्ता।